गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के आधार पर मनाते हैं। वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी बने, और साथ में वो एक बहुत ही बड़े शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे। उनका जो जन्म हुआ था वो आपका तमिलनाडु में हुआ था, और एक बहुत ही बड़े शिक्षक होने के नाते कुछ बच्चे बोले कि सर आपका जो हम लोग जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और सरल आदमी थे। उनके माइंड में ये आया क्यों ना मेरे जन्मदिन के आधार पर टीचर्स डे मनाया जाए, जिसमें टीचर्स डे का मतलब सिर्फ मेरा ही जन्मदिन के ऊपर में मनाने का मतलब ये है कि मेरा ही सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि मेरे जैसे जितने भी गुरु हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं उन सभी जनों का उनका पूज्य होगा। इसलिए उसने 1962 में प्रथम बार आपका शिक्षक दिवस मनाया, जिसके चलते सारे इस भारत के जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से सीख रहा हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहा हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से सीख रहा हो, फेसबुक के माध्यम से सीख रहा हो, इंस्टाग्राम से सीख रहा हो, किसी भी तरीके से वो सीख रहे हैं, तो यानी वो कभी भी किसी से सीख रहा तो वो आपका गुरु है। यानी इस दुनिया में गुरु बिना कुछ भी नहीं। गुरु का परंपरा बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। वो एक रोड की तरह होते हैं जो खुद वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनसे चलती हुई जितने भी गाड़ियां जितने भी लोग हैं वो अपना मंजिल तक पहुंच जाता है। यानी गुरु पूरा मेहनत करके आपका सब चीज को सिखाते हैं और उनका बच्चा बहुत उच्च पोस्ट पर चल जाते हैं, तो वो गुरु होते हैं। गुरु एक दीपक की तरह होते हैं जो हर वो बुझी हुई दीपक को खुद जाके जलाते हैं, और सभी दीपक जलते हैं तब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर इतना भी प्रकाश था, और एक एक दीपक को जलाएंगे तो पूरा दुनिया में प्रकाश फैल जाएगा, तो वो होते हैं गुरु। यहाँ तक कि भगवान जो जन्म लिए इस धरती पे उनका भी गुरु है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, वो भगवान है, उनका गुरु की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा हमेशा चलते आया है। महर्षि संदीपनि उनके गुरु थे। भगवान राम इस दुनिया में जन्म लिए, भगवान होने के चलते भी उनके पास तो सब ज्ञान है, वो तो सर्वोपरि है, फिर भी उनको गुरु की जरूरत हुई। मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु उनको प्राप्त हुए। यानी गुरु की परंपरा हमेशा चलते आए हैं। आज हम लोग भी किसी न किसी सीखे हैं, वो हमारे लिए गुरु हैं, तो गुरु की हमेशा इज्जत होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान दोनों अंतर होते हैं। शिक्षा ग्रहण मतलब पढ़ लिए आप उन चीजों को जान लिया, आपका शिक्षा ग्रहण हो गया, लेकिन ज्ञान बहुत जरूरी है। संस्कार शिष्टाचार आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर वो चीज कोई अगर आगे आपको बढ़ना है या आपको दूर तक जाना है तो हमेशा किसी न किसी का माध्यम की जरूरत होती है। जैसे आपको इस घर के ऊपर चढ़ना है, एक तल्ला में जाना है, तो आपको सीढ़ी की जरूरत होती है। सीढ़ी आपके लिए वो माध्यम हो गया। आपको कहीं पर जाना है तो एक गाड़ी या ट्रेन से आप जाते हैं तो वो का माध्यम हो गया। उसी प्रकार आपको बहुत ऊंचाई तक पढ़ाई लिखाई में या जॉब लगना है या किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक माध्यम होता है, वो आपका गुरु और आपका संस्कार। ये दोनों माध्यम आपको वहां तक पहुंचा देता है। तो हमेशा उन गुरुओं की हमेशा इज्जत कीजिए जो गुरु से आप कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो मैं भी, हमारे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखे हैं और अभी भी सीखते जा रहे हैं, तो उन लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे गुरुदेव जिनसे हम सब कुछ सीखे हैं, आज इसी यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी गुरुजनों का आज हम जाके भेंट किए। कुछ ही कुछ गुरु हमसे भेंट नहीं हो पाया, वो थे नहीं घर में जिसके चलते हमारा भेंट नहीं हो पाया, फिर भी जितना हो सके सभी से हम भेंटचीट किए हैं, क्योंकि गुरु हमको वो चीज सिखाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहार गुरु मुके गोविंद दियो बताए। यानी गुरु भगवान और गुरु दोनों ही एक जगह खड़े हैं, किनको पैर लगे, क्योंकि भगवान तो हम देखे नहीं, भगवान को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन वही गुरु हमको भगवान को दिखाया।
भगवान को बताया कि ये भगवान है, इनसे प्रणाम कीजिए, ये माता पिता है, इनको प्रणाम कीजिए। यानी बड़ों को किस तरह से सम्मान देना चाहिए, क्या कैसे बातचीत करना चाहिए, जो हम गुरु से सीखे। तो इसलिए गुरु की महिमा हमेशा बने रहे हैं हमारे सभी गुरुजनों को। प्रथम बार तो प्रणाम, मेरा माता पिता मेरे गुरुजन है, उसके बाद मेरे शिक्षकगण और भी जितने भी है, सभी जो जो मैं सीखा हूँ सभी गुरुजन है मेरे लिए। सभी को मेरा तहे दिल से, हृदय से सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। और आज आपके बीच हम अपने गुरुओं को रूबरू कराते हैं। धन्यवाद। आप भी अपने गुरु को मानिए। थैंक यू सो मच।